बदरवा में किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़ लेवेंडर की खेती कर पूरे देश में नाम और शोहरत पाने के साथ अच्छी आमदनी का रास्ता भी दिखाया है। बदरवा देश में लेवेंडर खेती का जन्म स्थल बन चुका है, लेकिन अब लेवेंडर की खेती केवल बदरवा तक ही सीमित नहीं रही है। डोडा जिले के कई अन्य क्षेत्रों में भी किसान अब लेवेंडर की खेती को अपनाने लगे हैं। जिले की भौगोलिक परिस्थितियों व मौसम के अनुसार इस खेती को अपनाकर किसान अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। डोडा के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल लेवेंडर की खेती काफी तेजी से बढ़ रही है। पहले इन क्षेत्रों में बंदरों का आतंक रहता था, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होती थी, लेकिन अब लेवेंडर की खेती में किसानों को बंदरों के आतंक से भी छुटकारा मिल गया है और पहले की तुलना में उनकी आमदनी भी अच्छी हो गई है। डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन बताते हैं कि डोडा अब लेवेंडर का वर्क प्लेस बन गया है। क्षेत्र के सांसद व प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पिछले सप्ताह बदरवा में लेवेंडर फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए प्रयासरत है और लेवेंडर खेती को लगातार बढ़ावा दे रहा है। भदरवा में हमने सुना था कि भदरवा में लगा रहे हैं लेवेंडर, तो उसके बाद हमने भी 2017 से शुरू किया है, तो अभी हमने लगाया 20-22 कनाल में लगाया है, तो इसकी अच्छी ठीक है। जैसे पहले लगाते हम मक्की लगाते थे, आलू वगैरह टमाटर वगैरह लगाते थे, उससे 4 गुना फ़ायदा है, तो अच्छा है। हम लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, तो अब ये अपनी नर्सरी भी लगा रहे हैं, अच्छा इसमें फ़ायदा बेनिफिट है। सरकार की तरफ से हमें इसमें सब्सिडी मिलती है, जैसे हमें पेड़ उधर से सब्सिडी मिलती, पेड़ की सब्सिडी मिलती है, फिर दूसरे अपने मैंने ये नर्सरी लगाई थी उसकी भी सब्सिडी मिली है, तो बाकी ये डिपार्टमेंट वगैरह आते रहते हैं हमारे, टाइम टाइम के बताते रहते हैं कब कटाई करनी कब गुड़ाई करनी है, आज चलते रहते हैं वो, और इसमें बेनिफिट है, अच्छा ठीक है। इसमें हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले हम मक्की वगैरह लगाते थे तो उतना फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो बंदर वगैरह उनका बहुत होता था, पूरा दिन खेत में ही बैठना पड़ता था, पैरा करना रहता था, घर आते थे तो पीछे से वो उजाड़ के ले जाते थे फसल। इससे अच्छा फ़ायदा इसको मक्की वगैरह, इसको बंदर वगैरह नहीं खाते हैं और मवेशी भी कोई नहीं खाता है, बाकी अच्छा है। एक बार लगाओ तो काफ़ी टाइम चलता है, बार बार इसकी खुदाई नहीं करनी पड़ती है, और ऐसे भी इसका बहुत फ़ायदा है, इसकी मेडिसिन वगैरह बनती है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, तो अच्छा ही। ऐसे जो बेरोज़गार हैं घर में, जिनको नौकरी वगैरह नहीं है, उनके लिए एक अच्छा मौका है अपनी आमदनी करने का। लेवेंडर अपनी खुशबू और अपना रंग जो है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में फैला रहा है, नए एरियाज़ को इसमें कैटर किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसानों को कि वो लेवेंडर की खेती को अपनाएं। मरमत, भागवा, अब हम कोशिश कर रहे हैं देसा के इलाकों में भी लेवेंडर को पहुंचाएं। अभी तक जो मेजर रोल प्ले कर रहा था वो CSIR IIIM कर रहा था, अब फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो लेवेंडर की खेती को अपनाएं। जो सब्सिडीज़ अवेलेबल की जा रही हैं, HADP का जो सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, UT सरकार का, उसमें और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी बताया जा रहा है कि वो लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहन दे, ताकि लेवेंडर की प्रोसेसिंग भी एक नए आयाम पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहुंचे।